हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? बायो ठीक ठाक चल रही है? चैप्टर नंबर 4 और ये वीडियो नंबर 8। चैप्टर नंबर 4 का ये वीडियो नंबर 8। आज हम नॉन कोडेट्स का एक और बड़ा फाइलम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोलस्का। मोलस्का संघ के बारे में पढ़ेंगे कि मोलस्का संघ के एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार की कंडीशन में सर्वाइव करते हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मोलस्क, ये जो टर्म है इसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। सॉफ्ट बॉडी यानी कोमल अंग। बट इसके उल्टी एक बात होती है, ये चेंज है इसके अल्टरनेट, कि अंग तो बहुत कोमल होते हैं लेकिन उसके चारों ओर जो आवरण होता है वो बड़ा कठोर होता है। कठोर आवरण होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना। तो मोलस्का संघ के प्राणियों की सबसे बड़ी विशेषता कि शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, वो बड़े कोमल होते हैं, बड़े एकदम सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उसके चारों ओर एक कठोर आवरण होता है। किसका बना हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कठोर आवरण होता है इसमें, ये इसकी विशेषताएं हैं। एनिमल की हम फीचर्स की बात करें या इनकी लक्षण्स की बात करें, तो पहला लक्षण इन एनिमल में जो पहला लक्षण है वो शरीर होगा इनका द्विपार्श्व सममित। और त्रिस्तरीय खंडों में भी होगा, बॉडी के बहुत से पार्ट्स हैं जो अलग अलग डिवाइड रहेंगे। जलीय, अधिकांश जंतु क्या होंगे इसके? जलीय होंगे। फॉर एग्जांपल यूनियो, पाइला, सीपी, और एक नाम और है इसमें, ऑक्टोपस, सुना होगा ये नाम। ये एनिमल इसी के हैं जो लगभग हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं। एनिमल है, जलीय जीव है, संख इसी अच्छा खंडों में विभक्त, लेकिन कुछ में आपको मिलेगा अखंडीय। संख है ना, संख नाम सुना होगा बजाने के लिए, वो इन्हीं के एनिमल है, उनके कवच से बनाया जाता है यूनियो और फाइला का कवच। कठोर आवरण होता है, सारे समुद्री होते हैं, अलवणीय और मीठे पानी में, अलवणीय जल में सर्वाइव करते हैं, लेकिन कुछ हैं वो नम भूमि पर, यानी कह सकते हैं कि कुछ क्या होंगे, थलीय। सारे जलीय नहीं है, कुछ थलीय भी हैं, और कैसी मिट्टी में? नम भूमि में पाए जाएंगे। शरीर सिर पाद और आदि में बटा हुआ होता है। शरीर सिर पाद में बंटा हुआ, लेकिन बॉडी के आवरण को मेंटल कहते हैं, याद रखना, बॉडी के आवरण को मेंटल कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि बॉडी है वो सिर में, और फिर जैसे कि हेड है, फुट है, और मेंटल में डिवाइड रहती है, तीन पोर्शंस बॉडी के अलग अलग। देह भित्ति कैल्शियम कवच की बनी हुई, कुछ रेंगने वाले, कुछ हैं बिलकारी जंतु भी हैं जो बिल बनाकर रहेंगे, कुछ रेंगने वाले भी हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि रेंगने वाले इसमें क्यों हैं? रेंगने वाले तो रेप्टिलिया में होने चाहिए, लेकिन उसमें नोटोकॉर्ड होती है। यहाँ रेंगने वाले तो हैं लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसलिए नॉन कोडेट्स के मोलस्का में इसको ऐड किया गया है। नोट कीजिए कुछ फीचर, इनको मिटाकर कुछ और लक्षणों की चर्चा करते हैं।
मोलस्का के कुछ और लक्षण। और यदि हम लक्षणों की बात करें तो युवाकार की नली होती है जो एलिमेंट्री केनाल है, आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल आहार नाल है वो युवाकार की होती है पाचन तंत्र के अंदर। श्वसन है बुकलोम या फेफड़े द्वारा। दो प्रकार के ऑर्गन होंगे, क्लोम भी होंगे और फेफड़े लंग्स भी होंगे। त्वचा से बहुत कम एनिमल है जिसमें यह त्वचा के द्वारा होता है। श्वसन वर्णक के तौर पर हीमोसाइनिन, हमारे अंदर इसको रिप्लेस करने वाला क्या होगा? हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट क्या करता है? हेमोसाइनिन। तो इसको कह सकते हैं कि श्वसन अंग है या श्वसन वर्णक। मनुष्य के अंदर श्वसन वर्णक क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। यहाँ पर श्वसन वर्णक क्या होता है? हीमोसाइनिन होता है। इसको श्वसन वर्णक क्यों कहते हैं? वर्णक है क्योंकि ब्लड को रंग प्रदान करता है। श्वसन में तो भाग लेगा ही लेगा क्योंकि बाहर की ऑक्सीजन है वो सबसे पहले कहाँ अटैच होती है? आरबीसी से। और हीमोसाइनिन या हीमोग्लोबिन कहाँ होगा? आरबीसी में। तो श्वसन के साथ में कोई वर्णक है वो अटैच होता है, उसे श्वसन वर्णक कहते हैं। उसे जैसा कि इसमें कौन सा है? हीमोसाइनिन। मनुष्य में क्या होगा? हीमोग्लोबिन। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का, परिसंचरण तंत्र ओपन टाइप का यानी ब्लड है वो वेसल्स में न बहकर ब्लड खुला ही बहता बॉडी के अंदर। कुछ में बंद प्रकार का होगा, उत्सर्जन के लिए विशेष अंग, विशेष भाग होते हैं पार्ट्स, अंग कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो है वो मैन है, याद रखना, मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया या केबर की ग्रंथि, ये दोनों ऑब्लिक लगाकर आपको याद करना है। बोजेंस के अंग भी कह सकते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर एक फाइलम में उत्सर्जन के लिए अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं कि कौन सा एनिमल किसके द्वारा उत्सर्जन करेगा। कोई मेल पिग नलिकाओं के द्वारा करता है, कोई नेफ्रीडिया के द्वारा करता है, कोई मेटानेफ्रीडिया के द्वारा करता है। तो हर फाइलम का एक ये थंब रूल होता है, वो आपको याद रखना कि मोलस्का जो फाइलम है उसमें उत्सर्जन के लिए कौन से अंग होते हैं? मेटानेफ्रीडिया या केवर की ग्रंथि या बोजेंस के अंग, ये वैज्ञानिकों के आधार पर नाम दिए गए हैं। तो आपको अच्छे से जहन में रखना है, डबल अंडरलाइन करके या स्टार लगाकर इन चीज़ों को लिखना है और अच्छे से समझना है। तंत्रिका तंत्र गुच्छे के रूप में, तंत्रिका तंत्र गुच्छे, तंत्रिका तंत्र गुच्छे के रूप में होगा। देन इसके बाद का जो मुख्य लक्षण है, नेत्र एक संतुलन पुटी के रूप में, नेत्र एक संतुलन पुटी के रूप में एक ऐसा ऑर्गन होता है जो बॉडी के बैलेंस को बनाने का काम करता है।
तो एज ए आई का ये फंक्शन आपको याद करना है, नोट करो इसको। आगे के कुछ और लक्षण हम पढ़ते हैं। कुछ और इसके महत्वपूर्ण लक्षणों की बात करें तो जंतु एकलिंगी, अधिकांश जंतु क्या होते हैं, एकलिंगी होते हैं। सेकंड, निषेचन आंतरिक भी होगा और बाह्य दोनों प्रकार का। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन है वो बॉडी के अंदर होगा इज कॉल्ड दैट आंतरिक, और यदि बॉडी से बाहर होता है तो ये बाह्य निषेचन होता है। तो मोलस्का संघ के प्राणियों के अंदर निषेचन दोनों कंडीशन में पाया जाएगा, आंतरिक भी होगा और बाह्य निषेचन भी होगा। परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का। प्रत्यक्ष परिवर्धन मेनली कुछ में अप्रत्यक्ष यानी दोनों बोथ। लार्वा अवस्था बन भी सकती है और नहीं बनती। लार्वा बनता है उसका नाम है ग्लोकिडियम या वेलिजर, बहुत अच्छे से याद रखना है। लार्वा अवस्था बनेगी किस कंडीशन में बनेगी, प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष में? अप्रत्यक्ष में लार्वा अवस्था बनेगी। कौन सी, बेलिजर कह सकते हो या दूसरा लार्वा का नाम है ग्लोकिडियम। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मोलस्का में जो बनने वाला लार्वा है उसका क्या नाम है, तो ग्लोकिडियम या ग्लोकिडियम लार्वा है वह कौन से संघ को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना ग्लोकिडियम। वेलिजर, तो ये इनके सामान्य लक्षण। अब हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, वर्गीकरण। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो मोलस्क का जो संघ है उसे छह वर्गों में डिवाइड किया गया है। मोलस्क का संघ कौन कौन से छह वर्ग हैं पढ़ते हैं कुछ डिटेल के हिसाब से। पहला ही पहला जो वर्ग है उसका नाम है मोनोप्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा। दूसरा एम्फिनूरा, तीसरा स्केफोजोवा, स्केफोपोड़ा या जोवा एक ही बात है, स्केफो पौड़ा। एक दो तीन चार नंबर का होगा पेलिसिपोड़ा, यहां पांचवा और वहां छठा। नंबर पांच गैस्ट्रोपोड़ा और सेफेलोपोड़ा। गैस्ट्रोपोडा और यहाँ लिख देता हूँ सेफेलोपोडा, ये दिख तो रहा है पूरा।
ये सेफेलोपोडा। तो पांच प्रकार के जो ये इसके वर्ग हैं उसको नाम अच्छे से माइंड में रखेंगे। पहला है पहला मोनोप्लेकोफोरा एम्फीनुरा स्केफोपोडा पैलिसिपोडा गैस्ट्रोपोडा देन लास्ट सेफेलोपोडा। तो पांच या छह इसके जो वर्ग हैं कौन से वर्ग में कौन कौन से एनिमल होंगे हम उस एनिमल के नाम लिखेंगे। पहला ही पहला है उसके अंदर होगा नियोपिलाइना। इसका एक एग्जांपल जिस एनिमल का नाम है नियो पिलाइना। इसे एनलिडा वह मोलस्का के बीच की योजक कड़ी मानते हैं। योजक कड़ी कहने का मतलब नियोपिलाइना में दोनों के करैक्टर पाए जाते हैं। लगभग इसकी सिमिलरिटी के आधार पर ये नाम दिए जाते हैं। एक्चुअल में होते तो मोलस्का का ही प्राणी है ये, लेकिन करैक्टर कुछ एनलिडा से मिलते जुलते है। एक ही प्राणी का नाम लिखेंगे इसमें। दूसरा एम्फीन्यूरा जो है उसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे कीटोडर्मा। अच्छा, इसमें वर्णन नहीं पढ़ना है किसी का अपने को, क्योंकि आपके सिलेबस में तो कुछ इतना भी नहीं है, खैर केवल नाम नाम है, इसलिए थोड़ा बहुत मैं एग्जांपल एक एक दो दो यदि आप याद रखोगे तो ठीक रहेगा। कीटोडर्मा एग्जांपल है इसका। तीसरा जो है वो स्केफोपोडा है डेंटिलियम, उसके एनिमल का नाम डेंटिलियम। लोकल लैंग्वेज में इसे हाथी दांत भी कहते हैं, हाथी दांत की जैसी स्ट्रक्चर के कारण। पैलिसिपोडा, पैलिसिपोडा का जो एग्जांपल है उसमें मुख्य एग्जांपल की बात करें तो पर्ल आयस्टर और यूनियम, यूनियम और पर्ल आयस्टर। टेंथ क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी ये पर्ल आयस्टर, जिससे बढ़िया किस्म का मोती बनता था लिंगा मोती। मोती संवर्धन या मुक्ता संवर्धन था ना, आपके कुछ याद आया तो एक चैप्टर के अंदर मोलस्का संघ के प्राणियों के जो खोल होता है उससे मोती बनते हैं जिससे मालाएं बनाई जाती हैं, तो वो लिंगा मोती है वो पर्ल आयस्टर से, और वो एनिमल पैलिसिपोडा का यानी मोलस्का का है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद में गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा का एग्जाम्पल है पाइला। तो यही एग्जाम्पल मैंने बताए थे, पाइला है, यूनियो है, नियोपिलाइना है, एक वो ऑक्टोपस जो कि लास्ट का है। गैस्ट्रोपोडा का एग्जाम्पल एक पाइला जिसे सेवाब घोंगा भी कहते हैं। लास्ट सेफेलोपोडा, इसका एग्जाम्पल ऑक्टोपस, इसे देते मीन कहते हैं, ऐसी मछली जो राक्षसों को रिप्रेजेंट करे, देते मीन ऑक्टोपस। तो ये इसका वर्गीकरण हो गया, छह इसके वर्ग, प्रत्येक वर्ग के एक या दो एनिमल के नाम, बस आपके सिलेबस का यही पोर्शन रहता है। हालांकि है नहीं, क्लासिफिकेशन के मेथड से देखा जाए तो आपके, खैर इतना नोट कीजिए, उसके बाद में हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, क्या क्या इसका आर्थिक महत्व हो सकता है। कोई बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व इसका नहीं होता, तो ये नोट करने के बाद में नया टॉपिक डाल सकते हो आप, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व है इसका पहला। मोती उद्योग में यानी पर्ल कल्चर, मोती संवर्धन या मुक्ता संवर्धन, कौन कौन से प्राणियों से मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं,
उद्योग धंधों की दृष्टि से यदि आप मोती प्राप्त करते हैं तो यही क्या है, मोती पालन, पर्ल कल्चर या मुक्ता संवर्धन। एक जापान का वैज्ञानिक था टोकीची, कहाँ का वैज्ञानिक, जापान का, टोकीची। इन्होंने सबसे पहले मुक्ता संवर्धन किया था, यानी मोती संवर्धन किया था। जापान का वैज्ञानिक था टोकीची, सबसे पहले मोती बनाए थे इन्होंने। और सबसे बढ़िया मोती किसका बनता है, पर्ल ऑयस्टर का। अभी मैंने आपको बताया, जो कि आप पहले की कक्षा में पढ़कर भी आए होंगे, पर्ल ऑयस्टर से सबसे अच्छा मोती बनता है, जिसका नाम क्या है, लिंगा मोती। ये नोट कर लेना, ये अच्छे तरीके से याद करना है। कुछ एनिमल्स हैं जो भारत, जैसे कि पिंक टोड़ा, इसी का एग्जाम्पल है पिंक टोड़ा। ये भी एक एनिमल का नाम है जो कि पेलिसोफोड़ा कुल का वर्ग का प्राणी है। ये भारत की नदियों में पाया जाता है, भारतीय नदियों में, और यहीं से मोती प्राप्त किए जाते हैं। दैट्स इट। दूसरा, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में जैसे सीपी है, घोंगा, सेवाब घोंगा, इसे ही कहते हैं इन दोनों को ही, यूनिया और पायला को, सेवाब घोंगा याद रखना। इस प्रकार से मोलस्क का जो संघ है, मोलस्क का संघ के लक्षण, मोलस्क का संघ का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और मोलस्क का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में मेन कौन सा है, मुक्ता संवर्धन, मोती प्राप्त करना, यही है। कुछ छोटे मोटे जंतु और हैं जो मोलस्का के जंतुओं को मारकर खा जाते हैं, तो भोजन भी है ये अन्य जंतुओं के लिए। ये इसका क्लासिफिकेशन आर्थिक महत्व में, केवल और केवल एक इसका मोती संवर्धन, मोती प्राप्त किए जाते हैं। तो अच्छे से स्टडी करते रहिए, इसके नोट्स बनाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।